हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम जा रहे हैं डिस्कस करने गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट के लिए आपका जो यूनिट 9 है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करता है ना। और ये टॉपिक आपका एग्जाम के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टैक्सेशन असिस्टेंट बनने के बाद आपको मेनली जीएसटी के अंदर ही काम करना है ना। तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी जॉब लगने के बाद, टैक्सेशन असिस्टेंट बनने के बाद भी जीएसटी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट की कंप्लीट क्लास आप हमारे ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी अनलिमिटेड व्यूज के साथ। आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी। एक बार में चीजें समझ में नहीं आती है तो आप बार बार उसको देख सकते हो, और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर। आप उन नोट्स का आसानी से प्रिंट लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। जो नोट्स होंगे वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होंगे, इसलिए हिंदी मीडियम को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें मटेरियल हिंदी में कैसे मिलेगा। आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगी प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर। साथ में आपको हमारे कोर्स में एग्जाम तक आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं चैट के माध्यम से। चैट में डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो। ग्रुप में भी नहीं क्लियर हो रहे हैं तो आप कॉल भी करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां से एक बार कोर्स को देख लें। चलिए हम अपनी प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम। भारत में जीएसटी का शुभारंभ कब से किया गया? तो देखो, भारत के अंदर जो जीएसटी की चर्चा हुई वो तो बहुत साल पहले ही चालू हो गई। लगभग इंडिया के अंदर जीएसटी आने में 16 से 17 साल लग गए। भारत में सबसे पहले जो जीएसटी की चर्चा शुरू की गई वो शुरू की गई 2000, है ना, कि हमें इंडिया के अंदर जीएसटी लाना है। लेकिन इसके बाद चर्चा हुई और इसके बाद लोग सो गए। फिर फाइनली 2006-07 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला कि हम 2010 से जीएसटी ला देंगे देश में। लेकिन फिर ठंडे बस्ते में चीजें रही। देश में वैसे भी काम थोड़ा स्लो ही होता है, खासकर सरकारी काम। 2010 में भी कुछ नहीं हुआ। फिर फाइनली 2014 के अंदर जीएसटी पर फिर से थोड़ा सीरियसनेस के साथ चर्चा चालू हुई और कुछ काम हुआ। देखो, भारत में जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत थी, संविधान संशोधन की जरूरत थी। 2014 में पहली बार संविधान संशोधन बिल लोकसभा में प्रेजेंट किया गया, और फाइनली वो 2016 में जाकर के पास हुआ, और इंडिया के अंदर 2017 जुलाई फर्स्ट, ये वह दिन था जब से फिर भारत के अंदर जीएसटी फाइनली लागू किया गया। तो इंडिया में जीएसटी कब से आया? 1 जुलाई 2017 से। क्लियर है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? सी। एक दो चीजें और जीएसटी से रिलेटेड बता देता हूं। वो पहली कंट्री कौन सी थी जहां पर जीएसटी लाया गया? तो वो था फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लाया। और भारत में एक स्टेट है जहां जीएसटी थोड़ा डिले लेट हुआ, सॉरी डिले लागू हुआ, एक हफ्ते डिले से, वो था जम्मू एंड कश्मीर। जे एंड के अंदर जो आपका जीएसटी लाया गया वो कब से लाया गया? सॉरी, 8 जुलाई 2017। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, भारत के अंदर जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लाया गया। पहली कंट्री जहां जीएसटी लाया गया वो था फ्रांस, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जीएसटी कब से लागू हुआ? 8 जुलाई 2017 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर जीएसटी वॉज। देखो, भारत में जीएसटी लाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। क्यों संविधान संशोधन की जरूरत थी? क्योंकि गुड्स या सर्विसेज पर टैक्स या तो स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती थी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती थी। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन नहीं था जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में कोई भी टैक्स लगाए। तो इसके लिए एक नया आर्टिकल ऐड करना था संविधान के अंदर। संविधान में ये प्रोविजन डालना था कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को साथ में शक्ति दी जाए कि वो टैक्स लगा सके। इसके लिए संविधान संशोधन किया गया, और वो कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है ना, 101st संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जीएसटी का रास्ता देश के अंदर खोला गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट।
एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर जीएसटी, अ सेपरेट लिस्ट हैज बीन इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 101वां संशोधन किया गया और 101वां संशोधन करके आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल था 246A। यही आर्टिकल है जो केंद्र और राज्य सरकारों को, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह शक्ति देता है कि दोनों जीएसटी से रिलेटेड लॉ बनाए, जीएसटी से रिलेटेड कानून बना सके। कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया? आर्टिकल 246A। ध्यान रखेंगे आर्टिकल 246A सही आंसर हो जाएगा आपका, ए, ठीक है ना, अनुसूची 246A। इसके अलावा दो अनुसूची और ऐड की गई थी 101st अमेंडमेंट से, 101वें संविधान संशोधन से। एक थी आपका 269A और एक था आपका 279A। 269A बेसिकली इंटर स्टेट सप्लाई की बात करता है, इंटर स्टेट सप्लाई है ना, जब एक राज्य और दो राज्यों के बीच में सप्लाई हो रही है, या दो यूनियन टेरिटरी या एक और दूसरी यूनियन टेरिटरी के बीच में सप्लाई हो रही है, तो उसे हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। और इंटर स्टेट सप्लाई कैसे डिसाइड होगा, इससे रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई से रिलेटेड लॉ कौन बनाता है? केंद्र सरकार। क्योंकि अगर स्टेट को ही पावर दे दी जाएगी तो आपस में स्टेट लड़ेंगे, इसलिए केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को शक्ति दे दी गई कि आप करिए। और वो शक्ति, वो पावर कहाँ से आती है? आर्टिकल 269A से। तो एक ये आर्टिकल भी ऐड किया गया था और एक आर्टिकल ऐड किया गया 279A। देखो जीएसटी के अंदर कोई भी अगर अमेंडमेंट करना है, कोई भी चेंज करना है, कुछ नई चीजें जोड़नी है, ऐड करनी है, घटानी है, हटाना है लॉ से, तो वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर होगा। किसकी रिकमेंडेशन पर? जीएसटी काउंसिल की। ध्यान रखना जीएसटी के अंदर जीएसटी काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोई भी चीज अगर जीएसटी लॉ के अंदर चेंज करना है, वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद होगा। और जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल के थ्रू आया? 279A के थ्रू आया। संविधान में 279A डाला गया जिसमें ये बताया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो जीएसटी काउंसिल बनाएंगे। तो जीएसटी काउंसिल का प्रोविजन कहाँ है? आर्टिकल 279A के अंदर। तो तीनों मैंने आर्टिकल बता दिए, 246A जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये शक्ति देते हैं, ये पावर देते हैं कि वो जीएसटी से रिलेटेड लॉ बनाए, 269A इंटर स्टेट सप्लाई की बात करता है, और 279A जो है वो जीएसटी काउंसिल की बात करता है। जीएसटी काउंसिल में कौन होंगे? तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और बाकी स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इन सबको मिलाकर के जीएसटी काउंसिल। क्लियर है? नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क जीएसटीएन इंक्लूड। देखो जीएसटी को चलाने के लिए एक आईटी प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक वेबसाइट बनाई गई जिसे हम जीएसटीएन पोर्टल कहते हैं। जीएसटी से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, वो चाहे रजिस्ट्रेशन का काम हो, जीएसटी से रिलेटेड काम हो, या कोई भी डिस्प्यूट असेसमेंट कुछ भी करना हो, वो सारा का सारा काम जीएसटीएन पोर्टल के थ्रू होगा, ठीक है ना। तो फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ जीएसटी, ये सारे के सारे काम किसके थ्रू होते हैं? जीएसटीएन पोर्टल के थ्रू होते हैं। सही आंसर क्या होगा? डी, है ना। जीएसटीएन पोर्टल की अपनी वेबसाइट भी है, www.gst.gov.in, है ना, उसी के थ्रू आपके सारे काम होते हैं। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज टैक्स इज पेड टू द गवर्नमेंट बाई। तो देखो जीएसटी के अंदर जो टैक्स का पेमेंट होता है, वो तो दो तरह से हो सकता है। जीएसटी का जो पेमेंट है वो दो तरह से होगा, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज में, फॉरवर्ड चार्ज होता है रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर क्या होता है? सपोज ये ए दुकानदार है और ये बी कस्टमर है ना, ए माल बेच रहा है किसको? बी को, तो जीएसटी भी कलेक्ट करेगा और फिर सरकार को जाकर के क्या करेगा? जीएसटी पे कर देगा। तो यहाँ पर जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वही जीएसटी पे कर रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड चार्ज। इस दुकानदार को बोला जाता है सप्लायर, बोला जाता है सप्लायर। तो जहां पर सप्लायर ही टैक्स पे करता है सरकार के पास जाकर के, उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज, है ना। तो इसीलिए आप जब दुकान पे जाते होगे, तो आपने तो सामान की प्राइस के साथ में जीएसटी दुकानदार को दे दिया। अब दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो जीएसटी जाकर के सरकार के पास जमा कर दे। इस तरह को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के जीएसटी पेमेंट को फॉरवर्ड चार्ज बोला जाता है ना, जहां पर सप्लायर जीएसटी पे करता है। ए सप्लायर हो गया, बी होता है कौन? रिसिपियंट।
होते हैं जहां पर सप्लायर ना पे करके कौन पे करता है जीएसटी, रिसिपियंट पे करता है। रिसिपियंट को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप पे करो। जीएसटी के अंदर एक सेक्शन है सेक्शन 9(4), वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी पेमेंट की बात करता है। हालांकि ये सेक्शन अभी तक सस्पेंडेड है, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ये कुछ चीजों पर रिसिपियंट टैक्स पे करेगा वो आ गया है। तो जहां पर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, रिसिपियंट की हो जाती है, वहां पर क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स का पेमेंट हो रहा है। क्लियर है? तो देखो रिवर्स चार्ज के अंदर कौन कौन पे करता है जीएसटी, रिसिपिएंट पे करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा सी। क्लियर है? नेक्स्ट द चार्जिंग सेक्शन ऑफ जीएसटी, ये होगा आपका सही आंसर सेक्शन 9। देखो चार्जिंग सेक्शन बता देता हूं क्या होता है। किसी भी लॉ में किसी भी एक्ट के अंदर वो सेक्शन जो सरकार को जीएसटी या टैक्स कलेक्ट करने की पावर देता है, शक्ति देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग सेक्शन देते हैं। तो जीएसटी के अंदर चार्जिंग सेक्शन क्या है, सेक्शन 9। ठीक है, जो जीएस सरकार को जीएसटी लगाने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट, अंडर जीएसटी लॉ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ डीलर इज डिटरमाइंड। जीएसटी के अंदर बहुत सारी चीजों को देखने के लिए हमें एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन की लिमिट है 20 लाख या 40 लाख, तो लिमिट आपको देखना है। उसके लिए आपको बिजनेस का क्या देखना पड़ेगा, टैक्सेबल पर्सन का या डीलर का क्या देखना पड़ेगा, एग्रीगेट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर। तो जीएसटी के अंदर जो टोटल टर्नओवर देखा जाता है, एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है, वो पैन बेसिस पर देखा जाता है और पूरे इंडिया का देखा जाता है, होल इंडिया है ना, पूरे इंडिया का देखा जाएगा। तो ऑल इंडिया बेसिस देखा जाता है, एग्रीगेट टर्नओवर सही आंसर क्या हो जाएगा सी। और उस पैन के अंदर जितने भी जीएसटी होंगे सबका जोड़ करके देखा जाएगा, जीएसटी वाइज नहीं, पैन वाइज और पूरे इंडिया वाइज देखा जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, तो देखो ऑल आउटवर्ड सप्लाई, ऑल सप्लाई, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे वो जीरो रेटेड हो, एक्सपोर्ट हो, नील रेटेड हो या एग्जम सप्लाई हो, सभी एग्रीगेट टर्नओवर देखने के लिए हम सभी को ऐड करते हैं, सभी का टोटल करके हम देखते हैं। ठीक है, तो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, बिल्कुल एक्सपोर्ट, एग्जम सप्लाई, ऑल द अबव, सही आंसर क्या होगा, ऑल द अबव। आप सारी चीजों को देखते हो जोड़ करके, है ना, चाहे वो टैक्सेबल हो, टैक्सेबल मतलब जिस पर जीएसटी लग रहा है, एक्सपोर्ट मतलब आप जो भारत से बाहर भेज रहे हो, एग्जम सप्लाई मतलब वो सप्लाई जिसे सरकार ने एग्जाम कर दिया है कि इस पर हम जीएसटी नहीं लेंगे। जैसे मोस्टली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, फ्रूट्स हो गया, फ्रेश मिल्क हो गया, ठीक है, इन सब पर आप जीएसटी नहीं लगाता है, सरकार ने इसको क्या कर रखा है, जीएसटी से हटा रखा है, जीएसटी से एग्जाम कर रखा है। तो इन सभी चीजों को आप एग्रीगेट टर्नओवर के लिए तो देखेंगे। अगर आपको 20 लाख की लिमिट देखना है, 40 लाख की लिमिट देखना है, तो आप इन सबका टोटल करेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई बिजनेस है, मैंने बोलता हूँ उसमें टैक्सेबल सप्लाई मान लीजिए 10 लाख की हो रही है, एक्सपोर्ट उसका 15 लाख का हो रहा है और एग्जम सप्लाई मान लीजिए 5 लाख की हो रही है, मैं पूछता हूँ कि इसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, 15, 10, 25, 5, 30 लाख। क्लियर है? कैन बी अवेल्ड ऑन आईटीसी, कैन बी अवेल्ड ऑन किस किस पर आईटीसी मिल जाएगा, सॉरी अच्छा कंडीशन, ठीक है, किन किन कंडीशंस को पूरा करने पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ, बाकी मैं हमने अपनी क्लास के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ब्रीफ में सपोज माल बेचते हैं और ये खरीद के किससे लाते हैं, होलसेलर से। अब होलसेलर ने इनको 100 रुपए में माल बेचा और इसमें मान लीजिए 18% के हिसाब से 18 रुपए जीएसटी लिया, तो ये इन्होंने 18 रुपए जीएसटी का यहाँ पे कर दिया। आगे मान लीजिए ये 200 रुपए में माल बेचते हैं कस्टमर को, है ना, और इन्होंने भी 18%, तो 36 रुपए जीएसटी, मैंने समझाने के लिए मैंने 100 को 200 कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना, आप 105, 110 भी हो सकता है। यहाँ पर जीएसटी कितना बना, 36 रुपीज। सरकार के पास कितना इनको जीएसटी पे करना है, 36 रुपए, लेकिन चूंकि ये 18 रुपए पहले से पे करके आए हैं, तो ये बोलेंगे ये 18 रुपए हम माइनस करेंगे और फाइनली ये गवर्नमेंट को जाकर के कितना पे कर देंगे, 18 रुपए, है ना, 18 रुपए ये जाके सरकार को पे कर देंगे।
यहाँ पर ये जो छूट मिल रही है 18 रुपए की, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी। ये क्यों दिया जाता है? जिससे कैश कैरिंग इफेक्ट ना हो। और कैश कैरिंग इफेक्ट क्या होता है? टैक्स पर टैक्स, है ना। अगर इस 18 रुपए की छूट नहीं मिलती तो ये इसको उसकी कॉस्ट में ऐड कर देता, जिसकी वजह से टैक्स पर टैक्स लग जाता। टैक्स पर टैक्स ना लगे इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाता है, आईटीसी दिया जाता है। आईटीसी लेने के लिए सेक्शन 16 धारा 16 के अंदर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि इन कंडीशंस को आप फुलफिल करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? जैसे कि आपके पास उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए कि आपने गुड्स या सर्विस ली है ना, जिसे हम इनवॉइस कहते हैं या बिल कहते हैं। साथ में आपको वो गुड्स या सर्विस मिलनी चाहिए, और जिससे आप गुड्स या सर्विस ले रहे हो, मतलब जो सप्लायर है, उसने क्या किया हो कि उसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया हो और सरकार के पास जीएसटी जमा करवा दिया हो। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। क्लियर है? चल देखते हैं कि आईटीसी कब मिलेगा। पजेशन ऑफ प्रिस्क्राइब इनवॉइस डेबिट नोट, बिल्कुल आपके पास डेबिट नोट या इनवॉइस होना चाहिए। टैक्स ऑन सच सप्लाई हैज बीन पेड टू गवर्नमेंट एंड रिटर्न बीइंग फर्निश्ड बाय द सप्लायर, उस पर टैक्स जो है सप्लायर ने पे कर दिया हो और रिटर्न फाइल कर दिया हो। रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स या सर्विस आपको मिल जाना चाहिए। फुलफिलिंग ऑल द अबव कंडीशन, बिल्कुल आप जब ऊपर की सारी कंडीशन फुलफिल करोगे तो ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। आप जब भी रजिस्ट्रेशन हो जाते हो वहां से विद इन 30 डेज के अंदर आपको जीएसटी अप्लाई कर देना है। सपोज आप गुड्स में ट्रेड कर रहे हो और आपकी लिमिट 40 लाख क्रॉस हो जाती है, तो जैसे ही आपकी 40 लाख की लिमिट क्रॉस होती है आपको विद इन 30 डेज जीएसटी के लिए अप्लाई कर देना है, जीएसटी का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? विद इन 30 डेज सी आपका क्या होगा सही आंसर, है ना। जिस दिन भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइवर हो जाते हो वहां से आपको 30 डेज के अंदर जीएसटी के लिए अप्लीकेशन लगा देना है। नेक्स्ट, देयर विल बी डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ नो एक्शन इज टेकन ऑन एप्लीकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन डन। देखो, आप अगर जीएसटी के लिए अप्लाई करते हो, है ना, तो और आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर रखा है, जो जीएसटी के लिए हम अप्लाई करते हैं, अप्लीकेशन देते हैं, तो वहां पर ऑप्शन रहता है, आप चाहो तो आधार ऑथेंटिकेशन कर दो, मतलब आधार ओटीपी से अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कर दो, उसे हम आधार ऑथेंटिकेशन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप आधार ऑथेंटिकेशन ना करो, उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो फिजिकली आपके प्रिमाइसिस पर विजिट करेगा कि आपका प्रिमाइसिस है या नहीं, देन आपको रजिस्ट्रेशन अलाउ किया जाएगा। तो अगर आधार हो चुका है उस केस में विद इन 30 डेज जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको एक्शन लेना पड़ेगा, या तो वो आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लेगा, अप्रूव कर देगा, या तो उसे रिजेक्ट करेगा या क्वेरी करेगा। तो वो उसको कितने दिन के है? विद इन 7 डेज सही आंसर क्या होगा? अगर विद इन 7 डेज वो एक्शन नहीं लेता है तो उस अप्लीकेशन को डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा कि आपका अप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है। ठीक है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज वैलिड फॉर डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो, नॉन रेसिडेंट, दो दो रजिस्ट्रेशन होते हैं जीएसटी के अंदर स्पेशल वाले, मैं बता देता हूँ, नॉन रेसिडेंट और कैजुअल टैक्सेबल दोनों को जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो 90 दिन के लिए मिलता है। कितने दिन के लिए मिलता है? 90 दिन के अंदर, ना सॉरी 90 दिन के लिए, जिस दिन रजिस्ट्रेशन दिया गया वहां से ये 90 दिन के लिए इनका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा, और फर्दर 90 किया जा सकता है ना। क्लियर हुआ? कितने दिन के लिए मिलता है? 90 दिन के लिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब कुछ चीजें और मैं बता देता हूँ नॉन रेसिडेंट और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए। पहली बात तो ये होते कौन है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होता है जिसका इंडिया में प्रिमाइसिस नहीं है, इंडिया में परमानेंट बिजनेस है, लेकिन वो कुछ दिन के लिए इंडिया में आके बिजनेस करना चाहता है। जैसे इंडिया में सपोज करिए कोई एग्जीबिशन लगा है ना, कोई मेला लगा हुआ है, वहां पे वो आ रहा है कि हमें 15 दिन 1 महीने के लिए बिजनेस करना है, फिर वापस चले जाना है, तो उसको हम ये है एज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। क्लियर? ऐसे ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? आपका बिजनेस यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, और दिल्ली में एक मेला लगता है, एक एग्जीबिशन लगता है, वहां पर आप 15 दिन के लिए अपनी शॉप लगाना चाहते हैं, तो आप 15 दिन की शॉप लगाने के लिए, ये लॉजिकली सही तो नहीं है कि आप जाके दिल्ली के अंदर परमानेंट रजिस्ट्रेशन ले लो, वहां पे जाओ एक प्रीमाइसिस लो, रेंट रेंट पर लो और परमानेंट रजिस्ट्रेशन ले लो।
ये बिजनेस के लिए हार्मफुल है, बिजनेस के लिए भी अनड्यू हार्डशिप क्रिएट करेगा, और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि आप 15 दिन का बिजनेस करने के लिए जाकर के रजिस्ट्रेशन लो। तो इस आपको 90 दिन से कम के लिए बिजनेस करना है कहीं पर, तो आप एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड हो सकते हैं, है ना। आपको सरकार 90 दिन के लिए टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दे देगी कि आओ बिजनेस करो और चले जाओ, और उस रजिस्ट्रेशन को 90 दिन के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। आई बात समझ में, नॉन रेसिडेंट और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? अब देखो, नॉन रेसिडेंट और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को अपना बिजनेस से 5 दिन पहले, कितने दिन पहले, एटलीस्ट 5 डेज बिफोर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लेना है, रजिस्ट्रेशन ले लेना है कम से कम 5 दिन पहले। दूसरा, आपको जो इनका टैक्स का पेमेंट करना है वो किस पे करना है? एडवांस में टैक्स पेमेंट करना है, एडवांस टैक्स पेमेंट। जब तक आप टैक्स का एडवांस में पेमेंट नहीं करोगे, आप अंदाजा लगा लो कि आपका लगभग इतने की सेल होने वाली है, और उस पर आप एडवांस में टैक्स का पेमेंट करवा दो, ठीक है। तो ये बातें आपको नॉन रेसिडेंट और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए याद रखें, क्लियर है? नेक्स्ट, कैन बी कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इफ द पर्सन रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर्म। देखो, आप जब रजिस्ट्रेशन ले लेते हो जीएसटी का, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। आप अगर नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन हो, तो आपको मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जो GSTR 1 और GSTR 3B के फॉर्म में जाता है। और अगर आपका कंपोजिशन डीलर भी रजिस्टर्ड हो सकते हो, वहां पर आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है। प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो, तो अगर आपने 6 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, मतलब आपने 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। और अगर आप कंपोजिशन हो, तो 3 क्वार्टर के रिटर्न, 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड के रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं किए हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो कंपोजिशन के केस में 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड, और नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए 6 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड। तो यहां पर तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, एज पर ऑफ CGST एक्ट 2017, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एट लीस्ट हाउ मेनी डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस? तो 5 डेज। कितने दिन पहले? 5 डेज पहले। आपका बिजनेस स्टार्ट करने से 5 दिन पहले कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी के लिए एप्लीकेशन दे करके रजिस्ट्रेशन ले लेना है, और साथ में आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट कर देना है, क्लियर है। चलो, आपका सही आंसर क्या हुआ, ए। इफ एन एंटिटी हैज मल्टीपल ब्रांचेस विद इन द सेम स्टेट, इट रिक्वायर्स। देखो, अगर आपका मल्टीपल ब्रांचेस है एक स्टेट के अंदर, तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है? रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ब्रांच सेपरेटली, सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द ब्रांचेस, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन और सिंगल रजिस्ट्रेशन एट द ऑप्शन ऑफ असेसी, रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ब्रांच सेपरेटली इफ द टर्नओवर ऑफ ईच ब्रांच एक्सीड 20 लाख। ये तो बिल्कुल गलत है। देखो, अगर आप सिंगल स्टेट बिजनेस कर रहे हो, और आपकी एक से ज्यादा ब्रांचेस है, या एक से ज्यादा आपके बिजनेस वर्टिकल है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो हर ब्रांच, हर बिजनेस वर्टिकल के लिए अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लो, और नहीं तो आप एक रजिस्ट्रेशन से भी काम कर सकते हो, ये आपके ऑप्शन पर है। तो सही आंसर क्या होगा, सी। चाहो तो अलग अलग लो, चाहो तो एक ले लो। हालांकि पहले क्या था, जब जीएसटी शुरू में आया था, कि आपको एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है, बट अब क्या है कि आपके ऑप्शन पर है कि आप चाहो तो अलग अलग बिजनेस वर्टिकल के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है आपका, पर्सन आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन है जो लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है जीएसटी के अंदर? एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज वोली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट। तो इन दोनों को तो लेना है, हमने बता ही दिया, 5 दिन पहले अप्लाई करके लेना है, एडवांस टैक्स पेमेंट करके लेना है, 90 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा। देखो, अगर आपकी सप्लाई केवल और केवल एग्जेम्प्ट वाली है, अगर आप ऐसी सप्लाई कर रहे हो जो फुल्ली क्या है, एग्जम्प्ट है, आपको जीएसटी नहीं लगना है, टैक्सेबल वाली एक भी नहीं कर रहे हो, तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका पेट्रोल पंप है, आप केवल डीजल पेट्रोल है, उसके अंदर ल्यूब वगैरह कुछ नहीं बेचते हो, तो डीजल पेट्रोल चूंकि जीएसटी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जम्प्ट सप्लाई है, तो उसके अंदर आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। आप केवल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीद करके बेच रहे हो, आप लोगों से धान खरीदते हो, धान ही आगे बेच देते हो, तो ये प्योरली एग्जम्प्ट सप्लाई आप कर रहे हो, तो इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर है।
सही आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 252 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ध्यान रखना सेक्शन बी। सो गुड्स की डेफिनेशन किस सॉरी गुड्स की डेफिनेशन में किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है? मनी, एक्सनेबल क्लेम, सिक्योरिटी, ग्रोइंग क्रॉप। तो देखो गुड्स की डेफिनेशन मनी और सिक्योरिटी। मनी मतलब रुपया, बाप पुराना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया को भी जीएसटी में गुड्स की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया गया। अब गुड्स नहीं है, देखो जीएसटी लगने के लिए गुड्स या सर्विस होना जरूरी है, अगर गुड्स नहीं है तो गुड्स या सर्विस नहीं है तो वो आपको जीएसटी नहीं लगेगा। तो एक तो पैसे को बाहर कर दिया गया इसलिए नोट पर जीएसटी नहीं है। दूसरा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा नहीं है ना, बंदूक गन नहीं, सिक्योरिटी का मतलब है शेयर, शेयर डिवेंचर, इन पर भी ये गुड्स नहीं है तो इस पर भी जीएसटी नहीं है। तो मनी और सिक्योरिटी को नहीं शामिल किया जाता, लेकिन जो एक्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग क्रॉप है इसको ये जीएसटी के अंदर आते हैं, गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 4 सी, ठीक है, इनको गुड्स की डेफिनेशन में शामिल किया गया, ग्रोइंग क्रॉप और एक्शनेबल क्लेम। नेक्स्ट, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन फॉर्म। जीएसटी सर्टिफिकेट किस फॉर्म में इशू किया जाता है? तो देखो वो है REG 06, REG 06 के फॉर्म में जीएसटी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। करेक्ट आंसर इज सी। विच सेक्शन डील विथ द टीडीएस प्रोविजन इन जीएसटी? देखो जीएसटी के अंदर भी टीडीएस होता है और टीसीएस भी होता है। टीडीएस आपको सेक्शन 51 बात करता है, टीसीएस सेक्शन 52 बात करता है ना? तो टीडीएस और टीसीएस जीएसटी के अंदर भी है, सेक्शन 51 टीडीएस की बात करता है। सही आंसर क्या होगा? ए। मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन लखनऊ, सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹2,75,000, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड जीएसटी एट द रेट ऑफ 5% ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर टू अ गवर्नमेंट एजेंसी लोकेटेड एट कानपुर, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। देखो टीडीएस जीएसटी के अंदर कब लगता है? जब सप्लाई कितनी हो 2,50,000 से ज्यादा की हो, है ना, 2,50,000 तक जीएसटी नहीं लगता है। और 2,50,000 के लिए आपको टैक्सेबल सप्लाई देखना है, ध्यान रखना है जीएसटी हटा करके। हमारे पर क्वेश्चन में दिया है 2,75,000, 2,75,000 में 5% जीएसटी भी शामिल है, तो सबसे पहले तो जीएसटी हटाओ और देखो वैल्यू कितनी आ रही है। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, मुझे जल्दी हो जाएगा, आप लोग अपने से करेंगे आपको थोड़ा टाइम लगेगा। 2,61,904, ये 2,50,000 से ज्यादा है, मतलब आपका टीडीएस लगेगा। तो आपका टीडीएस कितना लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगने वाला है, बिजनेस स्टेट है, एट द रेट ऑफ 1%, मतलब टीडीएस का ओवरऑल रेट कितना है? 2%, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, आईजीएसटी होता तो 2%। तो ये कितना हो जाएगा? 2,619.04, 2,619.04, इतना सीजीएसटी इतना एसजीएसटी, ठीक है। ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2619 सीजीएसटी, 2619 एससी। क्लियर है? व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट? देखो अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो उसकी टाइम लिमिट है। जैसे मान लीजिए मैं फाइनेंशियल ईयर 2022 23 की बात करता हूं, अभी जो खत्म हुआ है, इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं कब तक ले सकता हूं? तो इसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर आएगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24, इसके जो सितंबर मंथ होगा, सितंबर मंथ की जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होगी जनरली अक्टूबर 20 होती है। तो अक्टूबर 20 या जो एनुअल रिटर्न होगा आपका, एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट, एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में जाता है एनुअल रिटर्न जीएसटी के अंदर? GSTR 9। तो जो GSTR 9 या एनुअल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होगी उनमें से जो भी पहले, तो अक्टूबर 20 है, और मान लीजिए मैंने 30 अगस्त को एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट कब तक क्लेम कर लेनी है? 30 अगस्त तक क्लेम कर लेनी है, ठीक है। या मान लीजिए अक्टूबर 20 आपकी डेट हो गई सितंबर मंथ के रिटर्न की, और मैंने
मान लीजिए 15 दिसंबर को जाकर के अपना एनुअल रिटर्न फाइल किया, 15 दिसंबर को, तो उस केस में हमारे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कब तक क्लेम कर लेना है? अक्टूबर 20th। क्लियर है? ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ विच इज फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न अर्लीस्ट ऑफ ए और बी। सही आंसर क्या होगा? सी। ए और बी दोनों में से जो भी पहले आएगा उस डेट तक आपको क्या कर लेना है? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेना है, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगी, आपकी टाइम आउट हो जाएगी। नेक्स्ट, सप्लाई आर नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द केस ऑफ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स। देखो कुछ चीजें सेक्शन 17(5) के अंदर क्या है, ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आती हैं, जिनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। फूड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, हेल्थ सर्विसेस, ऑल द अबव। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये सारी की सारी ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आते हैं, इनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती। ठीक है। नेक्स्ट, एबीसी लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹10 लाख प्लस जीएसटी 18%। इट हैज बीन कैपिटलाइज इन द बुक एट ₹11,80,000, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड। अकॉर्डिंगली द डेप्रिसिएशन वॉज क्लेम्ड एट द रेट ऑफ 15% ऑन ₹11,80,000 अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। वॉट इज द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अलाउड? देख, जीएसटी के अंदर क्या है, बोला गया है कि अगर आप जीएसटी वाले पोर्शन पर इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हो, मतलब आपने ₹100 की मशीन खरीदी और उस पर ₹18 जीएसटी पे करके आए, ये आपको मशीन 118 पे पड़ी। अगर अपने बुक्स के अंदर आपने ₹100 की एसेट बुक की, ₹18 को आपने एसेट बुक नहीं किया, मतलब आप डेप्रिसिएशन भी ₹100 पर लोगे। तो इस केस में सरकार बोलती है हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कर देंगे, दे देंगे। लेकिन सरकार ने बोला बुक करते हो मतलब ₹18 पर भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो इनकम टैक्स के अंदर, तो उस केस में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं देंगे। सिंपल सा मतलब है कहने का कि अगर आप इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले रहे हो टैक्स वाले कंपोनेंट पर, तो आपको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं करेंगे, और अगर वहां पर इनकम टैक्स में आप बेनिफिट नहीं ले रहे हो तो हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कर देंगे। कुल मिलाकर सरकार केवल एक जगह आपको फायदा देगी, या तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा ले लो, या तो टैक्स वाले कंपोनेंट पर आप डेप्रिसिएशन का फायदा ले लो। क्लियर है? चलो, बोला गया कि मशीन को 1180 पर बुक किया गया, मतलब टैक्स को भी टैक्स जोड़ करके बुक्स में इसको कैपिटलाइज किया गया, रिकॉर्ड किया गया, और इस पर ही डेप्रिसिएशन लिया गया, मतलब टैक्स वाले कंपोनेंट पर भी डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में ले लिया गया। अब अगर आप इनकम टैक्स के अंदर फायदा ले लेते हो, उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। सही आंसर आपका क्या होगा? डी, आईटीसी विल नॉट बी अलाउड। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट शैल बी द ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? गुड्स के केस में आपको इनवॉइस कब तक इशू कर देना है? तो अगर देखो आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तो आपकी शॉप से या आपकी फैक्ट्री से गुड्स निकलने से पहले तक आप इनवॉइस इशू कर सकते हो, ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स। जब आपका गुड्स आपकी शॉप से बाहर निकल रहा है, उसके पहले तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है, ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, है ना? तो एनी डेट बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, ये आपका क्या हो जाएगा? सही है, गुड्स निकलने से पहले, दुकान से निकलने से पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना है। सर्विस के केस में बल्कि क्या है कि आपको within 30 days, जब आप सर्विस दे रहे हो वहां से 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना है। ठीक है, गुड्स के लिए तो आपको रिमूवल से पहले। क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स Mr. X, a registered person, deal in supply of taxable goods. He need not issue tax invoice for goods supplied on 16th of April as the value of goods is. देखो, पूछ रहा है कि आपको कब इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनवॉइस की वैल्यू 1200, 1600, 150 और 200 है, तो आपका सही आंसर होगा सी। देखिए, अगर आपकी वैल्यू लेस देन 200 है गुड्स की वैल्यू, तो आपको हर ट्रांजेक्शन के लिए इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। आप पूरे दिन की एक इनवॉइस इशू कर सकते हो, जिसे हम कंसोलिडेटेड इनवॉइस कहते हैं, अगर आप दो दो 200 रुपए से नीचे की गुड्स बेच रहे हो, है ना? तो लेस देन 200 हो, तो आपका लेस देन 200 कितना है? 150। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? चल, ये थी आपके कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज जीएसटी के। मैं कुछ और एमसीक्यूज लेकर के आऊंगा। इस क्लास की आपको अगर पीडीएफ चाहिए, तो आप
आपको मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी आप कंप्लीट क्लासेस एक बार जा करके हमारे ऐप पर देख सकते हैं, जहां पर आपको पूरी क्लासेस पीडीएफ नोट स्टडी मटेरियल के साथ आपको मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।